पंजाब में जिस तरह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक दूसरे को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं, राजस्थान में भी हालात उससे बदतर होते नजर आ रहे हैं। गहलोत और पायलट के बीच ऐसा गतिरोध है कि अब अशोक गहलोत सोनिया गांधी की भी सुनने को तैयार नहीं। अंदर ही अंदर सुलग रही कांग्रेस में किसी भी वक्त विस्फोट हो सकता है और सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ अपनी अलग सियासी दुकान खोल सकते हैं, क्योंकि न तो गांधी वाड्रा परिवार उनकी सुनने को तैयार है और न ही अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के करीबियों को मंत्रिमंडल में शामिल करने से एक तरह से साफ मना कर चुके हैं। वजह यह है कि अगर वे मंत्री बन भी जाएंगे तो उनकी वफादारी सीएम के प्रति नहीं बल्कि पायलट के प्रति रहेगी और अशोक गहलोत ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि उनका मंत्री सचिन पायलट को रिपोर्ट करे और उनके इशारों पर काम करे। पायलट हाल ही में दिल्ली आए थे, तब उनको यह भरोसा दिलाया गया था कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा और इसमें उनके करीबियों को जगह दी जाएगी। लेकिन गहलोत ने इस बारे में केंद्रीय नेतृत्व के सुझाव पर ध्यान देना बंद कर दिया। वे राज्य के प्रभारी महासचिव अजय मकान तक को जवाब नहीं दे रहे हैं। आलाकमान ने कुछ नहीं किया, इससे पायलट के गुट के अंदर फिर से नाराजगी बढ़ रही है। पायलट गुट के विधायकों ने हाल ही में कहा था कि कांग्रेस आलाकमान ने जो वादा किया था उसे पूरा किया जाना चाहिए। खुद पायलट ने कहा था कि आलाकमान की ओर से बनाई गई कांग्रेस नेताओं की कमेटी 10 महीने बाद भी कुछ नहीं कर पाई है और उनकी ओर से जो बातें उठाई गई थी उनका हल नहीं हुआ है। सूत्रों का कहना है कि पायलट को गुजरात का कांग्रेस का प्रभारी बनाने की भी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया, जब तक उनके समर्थकों को राजस्थान सरकार में सम्मान नहीं मिल जाता वे पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। प्रियंका वाड्रा, केसी वेणुगोपाल और अजय मकान ने एक फॉर्मूला बनाकर गहलोत को दिया और उनसे कहा कि पायलट के कुछ समर्थकों को मंत्रालय और संगठनों में जगह दी जाए, लेकिन गहलोत इससे खुश नहीं है और उन्होंने कहा कि वे एक महीने तक किसी से भी नहीं मिलेंगे। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि उनके दफ्तर और सुरक्षा में लगे 40 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं और डॉक्टर्स ने उन्हें किसी से मिलने की सलाह नहीं दी है। गहलोत के इस रवैये से परेशान कांग्रेस आलाकमान ने अजय मकान से कहा कि वे जल्द से जल्द इस फॉर्मूले को लागू करवाएं। पार्टी नेताओं को भी यह लग रहा है कि गहलोत शायद इस संकट को हल करने के लिए तैयार नहीं है। सूत्रों का कहना है कि गहलोत सोनिया गांधी से ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सुनते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ अनाप शनाप बोलने वाले कुमार विश्वास की पत्नी को राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य बना दिया गया और राज्य मंत्री का दर्जा भी दे दिया गया। बंगाल के उपराज्यपाल जगदीप धनखड़ की बेटी को सूचना आयुक्त बना दिया गया, लेकिन कांग्रेस के विधायकों को मंत्री नहीं बना जाया जा रहा है। ऐसा करके गहलोत एक तरह से संकेत दे रहे हैं कि अपनी मर्जी से ही सारे काम करेंगे। इससे साफ है कि राजस्थान कांग्रेस में पंजाब जैसा बवाल हो सकता है। पिछले साल ऐसा हो भी चुका है। पायलट गुट का यह भी कहना है कि हाईकमान पंजाब के मामले में तुरंत एक्शन ले रहा है, जबकि राजस्थान को लेकर उसका रुख ऐसा नहीं है। माना जा रहा है कि पायलट गुट का सब्र अब जवाब दे रहा है। जुलाई तक अगर कैबिनेट का विस्तार नहीं होता है तो सचिन पायलट कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं और वह कदम कांग्रेस के लिए जोरदार झटका हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।